जय हिंद साथियों, आप सभी का विक्टेटा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं दे दूं। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2022 चला गया, 2022 में जो हमने गलतियां की उन गलतियों को 2023 में आपको नहीं दोहराना है। आपके परिवार को भी नए साल की शुभकामनाएं और आपके घर में सुख समृद्धि और ऐसे ही खुशहाली आती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आपको पता है कि टोटल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, आपको पता है कि मेरा चैनल जो डेडिकेटेड होता है, डेडिकेटेड वीडियो अधिकतर वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पे बनती है, क्योंकि आपको पता है कि मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2019 में ITBP एज अ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर ज्वाइन की थी 1 अक्टूबर, और फिर 2021 में मैंने रिजाइन दे दिया क्योंकि मेरा नेक्स्ट कहीं और का सिलेक्शन हो गया था। इस टॉपिक पे हमने कई बार बात कर चुके हैं, मगर आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि नया साल, आज 1 जनवरी है 2023 की, और आज से आपको दोबारा से ये मौका मिल रहा है। वैसे मौका तो हर दिन एक नई शुरुआत है, नए साल कोई खास नहीं होता, हर दिन एक नई शुरुआत है, आपने किसी भी दिन से आप नई शुरुआत कर सकते हो। मगर 2023 और 2024 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आपने खुद देखा होगा 2022 से 2023 के बीच में कितनी सारी वैकेंसी आ रही है। 2022 में ही अधिकतर बहुत सारी वैकेंसी आ गई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। तो आप इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो टोटल 2800 कुछ वैकेंसियां हैं लगभग, वो आपको कैसे मिलेगी। मतलब आपको केवल एक पोस्ट से मतलब है, चाहे आपका सिलेक्शन ITBP में हो, चाहे आपका SSB में हो, चाहे BSF में, चाहे CRPO में, चाहे CISF में हो, तो टोटल आपको सिलेक्शन से मतलब है। अगर हम ITBP की बात करें तो टोटल देखा जाए तो 248 सीट, मतलब की बहुत ज्यादा। हमारे समय में 20 सीट थी वैसी, मतलब ऐसी बात नहीं, 2 सीट ज्यादा नहीं थी, मगर सीट इतनी ही थी, 262 सीट, 248 सीट, तो आपके समय में भी उतनी है। आपको फिजिकल के बारे में सब कुछ पता है, इसमें रनिंग है। BSF के बारे में आपको पता है 312 सीट है, और उसका तो PHT भी कंप्लीट होने वाला है, जनवरी तक आपका PHT चलने वाला है, उसके बाद मार्च में आपकी एग्जामिनेशन है, ये आपको मैंने रिमाइंड कर दिया। उसके साथ SSB भी आपका 2023 में आने वाला है, जिसमें 115 पोस्ट थी मगर उसको बढ़ा के 136 कर दिया गया। CRPF की अभी वैकेंसी जनवरी में आ रही है 4 जनवरी से, उसमें टोटल 1315 वैकेंसी है। CISF की बात करें तो 2019 में जो वैकेंसी आई थी वो वैकेंसी आई थी 429 वैकेंसी आई थी, और CISF में अभी 2022 में जो वैकेंसी आई है वो आई है 418 वैकेंसी, यानी कि टोटल किया जाए, वैकेंसी किया जाए तो करीब 3000, मतलब 2800 वैकेंसी प्लस बनती है, जिसको हम 3000 ऐसा मोटा मोटा माने अगर नंबर में। तो आपके पास इतनी सारी वैकेंसी आपको मिली है 2023 और 24 में। अब मैंने SSC GD की बारे में बात नहीं करा, मैं किसी अदर वैकेंसी के बारे में बात नहीं करा, मैं केवल उस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें आपको बैठ के नौकरी करनी है और आपका वर्दी पहनने का सपना भी पूरा हो जाएगा, आपको ऑफिस का काम भी मिल जाएगा, आपको सम्मान भी मिल जाएगा, आपको सब कुछ, ओवरऑल सारी चीजें आपको इस वैकेंसी में मिलने वाली है। तो आपका 1 जनवरी 2022 में आपने जो गलतियां की उनको भूल जाना है। 2023 में आपको ये सोच कर रखना है कि जो 2022 में था, जैसे मान लीजिए आपका नाम कुछ भी, जैसे मैं अपने बारे में बात कर लूं, मैं सूरज हूं, तो 2022 में जो सूरज था वो 2023 में वो सूरज नहीं होना चाहिए, वो अपग्रेड होना चाहिए। जैसे एंड्रॉइड का वर्जन आता है, अपग्रेड वर्जन होता है, वैसे आपको भी इस बार अपग्रेड करना है, मेंटली भी करना है, फिजिकली भी करना है, ठीक है, और आपको इकोनॉमिकली भी करना है, मतलब आपको पैसे से भी आप थोड़े से अपग्रेड होने चाहिए। अगर आपके अकाउंट में पिछले साल अगर मान लीजिए 5000 रुपए ही थे, इतने से ज्यादा तो होंगे नहीं, 5000 भी थे, तो इस साल भी आपके अकाउंट में उससे ज्यादा होने चाहिए। अगर आप पिछली बार मेंटली थोड़ा डिस्टर्बेंस थी, मेंटली थोड़ा वीक थे, तो 2023 में आप मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। फिजिकली 2022 में अगर आप वीक थे तो 2023 में आप फिजिकली स्ट्रांग होने चाहिए। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना है 2023 के लिए। मैं आपको बस छोटा सा रिमाइंडर देने वाला था कि आपको अब 2023 में सब कुछ भूल कर 2022 का जो कमियां थी वो भूल कर 2023 में इतने लगन से काम करना है कि आपका सपना पूरा हो जाए वर्दी पहनने का। साथ ही साथ आपको चेयर की नौकरी चाहिए, कुर्सी की नौकरी चाहिए, और फौज में बता दूं कि इस वैकेंसी के अलावा आपको कोई भी चेयर की नौकरी नहीं है। वैसे तो फौज में देखा जाए कोई भी चेयर की नौकरी नहीं होती, कुर्सी की नौकरी नहीं होती, मगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ऐसी जॉब है जिसमें हम कह सकते हैं कि वो चेयर की नौकरी है, कुर्सी की नौकरी है, महिलाओं के लिए इतनी अच्छी नौकरी है ना, इतनी अच्छी। तभी मैं ज्यादातर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पे ज्यादा फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि वो एक लगती है कि यार खाली वो जॉब है, वो पढ़ाई वाली जॉब है, वो एक आपके वर्दी का सपना भी पूरा करता है और आप देश की सेवा भी करते हो। ऐसी बात नहीं है कि केवल आप वहां पर ऐसे काम करो, आप देश की सेवा भी करते हो। हर किसी की देश की सेवा करने का तरीका अलग है,
अगर जीडी वाले भाई देश की सेवा कर रहे हैं, अगर रेडियो ऑपरेटर वाले देश की सेवा कर रहे हैं, अगर हर कोई देश की सेवा कर रहा है, तो आप भी देश की सेवा ही कर रहे हो, आप देश के लिए ही काम कर रहे हो। तो आप ये मत सोचना कि केवल जीडी वाले आ रही है सब करते हैं, बस आप भी देश की सेवा करने के लिए जा रहे हो। मगर मेरा हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल फोकस इसलिए रहता है क्योंकि आप देश की सेवा के साथ अपने परिवार के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। मगर जीडी में जाने पे आपको अपने परिवार के प्रति थोड़ी जिम्मेदारी भूलनी पड़ती है, और आप अगर हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर बनते हो तो अपनी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति भी आप निभा पाओगे, ठीक है? क्योंकि देश के प्रति जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी आपके अपने परिवार के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। तो अपने परिवार के प्रति की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं कहता हूं कि आप हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर फोकस करो। टोटल अगर 2800 कुछ वैकेंसियां हैं, 2800 वैकेंसियां हैं, तो उसमें आपको केवल एक सीट चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन अगर आईटीबीपी में भी होता है, बीएसएफ में भी होता है, सीआरपीएफ किसी में भी एक में अगर हो जाता है ना, सभी जगह जॉब एक जैसी है, सभी जगह काम एक जैसा है, सभी जगह करेस्पॉन्डेंस एक जैसा है, सभी जगह लेटर राइटिंग हर जगह एक ही जैसा है, कहीं पर कुछ अलग नहीं, फैसिलिटी सारी सब जगह एक जगह है। अगर आपको वहां पर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है तो यहाँ पर भी चाइल्ड एजुकेशन मिलेगा, एलटीसी मिलता है, लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है तो इसमें भी मिलेगा, हर सारी फैसिलिटी आपको, सैलरी का स्ट्रक्चर सेम है, सब अलाउंसेस सेम है लगभग लगभग। तो ये जान लीजिए कि आपको इतनी वैकेंसी में से केवल एक वैकेंसी चाहिए। आप बिल्कुल भी अब हार मत मानिएगा, अपनी कमजोरियों को भूलना है, अपनी कमजोरियों को अब स्ट्रांग करना है। जैसे कि अगर आपको मैथ नहीं आती तो मैथ में आपको अब थोड़ा सा अपने आप को इवॉल्व करना है, आपको मैथ आनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे पता है कि केवल आईटीबीपी में ऐसा वहां है, आईटीबीपी और एसएसबी में है जिसमें आपकी रनिंग है, बाकी आपकी बीएसएफ में भी रनिंग नहीं है, सीआईएसएफ में भी नहीं है, सीआरपीएफ में भी नहीं है। तो ये तो जो पोस्ट है इसमें केवल रनिंग है, बाकी किसी में रनिंग भी नहीं, तो रनिंग के लिए परेशान भी नहीं होना है। बाकी और चीजें मैं आपको गाइडेंस देता ही रहता हूँ, आप भी मुझे इतना प्यार देते हो हमारे चैनल को, और हमारे चैनल पर 40,000 की फैमिली बन गई है, और मैं चाहता हूँ ये फैमिली 40,000 से बढ़ती जाए लाखों में। और इसके लिए कुछ नहीं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट कैसे, आप सपोर्ट कैसे करोगे, बस जैसे कि आप वीडियो देखते हो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चार लोगों को आप सजेशन दो, अपने फैमिली मेंबर में, अपने भाई को, अपने चाचा में, अपने फ्रेंड सर्कल में, कहीं पर भी आप उसको सजेशन दो। कोई अगर आप ग्रुप से जुड़े हो तो उस ग्रुप में वीडियो को शेयर करो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, मोटिवेशन वीडियो है, अच्छा मैं बताता हूँ, कॉन्टेंट अच्छा है, तो आप प्लीज इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास करिए, ताकि हमारा परिवार 40,000 से बड़ा हो के लाखों में आए, लाखों से फिर और बड़ा होता जाए, ऐसे बड़ा होता जाए, ताकि सारे इसका जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, सारे वीडियो को मतलब सभी लोगों को इसका लाभ मिले। बस इस चैनल का छोटा सा मकसद यही है, बाकी आप प्यार बहुत देते हो, बहुत जुड़ते हैं, और मैं उन सभी से माफी चाहता हूँ, उन सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ जिनके मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। मगर मैं कोशिश करता हूँ अपने खाली समय में निकाल के, मैं वैसे भी बोल देता हूँ कि कॉल कर लो, मैं अपना नंबर भी प्रोवाइड कर रखा हूँ टेलीग्राम पे, जैसे मैं फ्री होता हूँ वैसे मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ कि इतने समय में आप कॉल करो, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है, ठीक है? अभी 40,000 में कोई टीम भी रखता नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि 40,000 में कोई टीम रखता है, मगर हर काम अगर आप अकेले करोगे तो कितना कर पाओगे, ठीक है? तो मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा काम करने की, हर समय आपको देने के लिए छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करता हूँ। बस आप ऐसे अपना प्यार बनाए रहो, और मैं आपके लिए यही विश करूंगा 2023 में कि आप सभी का सिलेक्शन हो। 3,000 लोग है, मतलब 3,000 वैकेंसियां हैं, अगर किसी का ऐसे जीडी में भी होता है तो अच्छी बात है, किसी का कहीं और भी होता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर कुल मिला के आपको 2023 और 24 में आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि पता है आपको कि 2023 में आप वैकेंसियां क्लियर होनी है, सारी वैकेंसियां आपको 2023 और 24 में क्लियर हो ही जानी है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि ऊपर से बहुत ज्यादा मिनिस्ट्री पे प्रेशर है, आपको पता है ना, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और उसमें पता है कि आपको मोदी सरकार का बहुत ज्यादा प्रेशर है मिनिस्ट्री पे कि आप वैकेंसियां रिलीज करो और वैकेंसियों को जल्दी करो। जैसे रेलवे पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, ग्रुप डी का कितनी जल्दी उन्होंने फिजिकल का भी दे रहे हैं, उसके बाद डीबी का भी दे रहे हैं, मेडिकल का भी दे रहे हैं, ऐसे इस पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है और बहुत जल्दी वैकेंसियां जल्दी क्लियर करनी है आपको। तो बस अब 2023 में ठान लेना है और इस बात करके दिखाना है अपने सपनों की, अपने घर वालों के सपने, अपने माँ बाप के सपनों, सबको पूरा करना है और वर्दी हासिल करनी है। और मैं दुआ करूंगा कि आपका सिलेक्शन हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल में हो, ताकि आप ये जान पाओ कि मिनिस्ट्रियल कैसी पोस्ट है, ठीक है? और आप उसका फायदा उठा पाओ, अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाओ, अपने देश को भी टाइम दे पाओ, और अपने ऊपर भी टाइम दे पाओ। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया साल मुबारक हो आपको और आपके घर में खुशहाली, समृद्धि और ऐसी खुशियां आती रहे। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।